हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विश्वजीत और आप देख रहे हैं गोल्ड फिश लवर्स। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है फिश प्लानेडिया। हम लोग के फिश टैंक में बहुत टाइम क्या होता है, बहुत सी कारण के वजह से प्लानेडिया हो जाते हैं। प्लानेडिया मतलब वर्म्स हो जाते हैं, बहुत सारा वर्म्स है जो बहुत सी कारण है उसके लिए हो जाता है। तो बहुत कोई कहता है कि मैंने बहुत जगह बहुत वीडियो देखा हो गूगल पे सर्च के, तो बहुत जगह कहता है कि बहुत है डेंजर है, ये ठीक नहीं होता है, बहुत टाइम होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। मैं आपको कुछ तरीका बताऊंगा, कुछ बेसिक आपको कुछ टिप्स बताऊंगा। सिंपली ये आराम से एक हफ्ते के अंदर ये ठीक हो जाएगा। उतना भी कुछ देखिए, फिश के लिए तो उतना ख़राब कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इसको रखना ठीक नहीं है। तो जो पानी है, पानी का प्रॉब्लम होता है, मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो सिंपल आपको टिप्स बताऊंगा, ये एक हफ्ते के अंदर 100% आपका ठीक हो जाएगा। ओके, तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। और अभी तक हम लोग का चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल की घंटी ऑन कर दीजिएगा कि बैक टू बैक बहुत सारा वीडियो आने वाला है, तो आप लोगों को वीडियो मिलते रहे। ओके, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, प्लानेडिया होता क्या है? प्लानेडिया फर्स्ट में ये आप समझिए, प्लानेडिया होता क्या है। प्लानेडिया एक टाइप का वर्म्स होता है। जो क्यों होता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है, देखिए सबसे मेन कारण है ओवरफीडिंग। सबसे बड़ा कारण ओवरफीडिंग। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी इसको ज़्यादा खाना देते, हम लोग को लगता है मतलब उसको कम खाना मिल रहा है या खाने के लिए कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्या करते हैं ज़्यादा खाना देते हैं। सबसे ज़्यादा होता है जो बिगिनर से फर्स्ट शुरू किया है ये, तो उसके टैंक में सबसे ज़्यादा होता है। फर्स्ट में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन कुछ महीने के बाद ये प्रॉब्लम दिखा जाता है। क्योंकि हम लोग जो एक्स्ट्रा जो खाना देते हैं, जब वो फिश वो मतलब खा नहीं पाता है, तब नीचे जाके बैठ जाता है। और जो ग्रैबल रहता है, ग्रैबल के नीचे जब जाके बैठ जाता है, वो तो खा नहीं पाता, तो आस्ते धीरे धीरे पच जाता है। पसने के बाद क्या होता है, वो आस्ते धीरे धीरे उसमें वर्म्स आ जाता है, जिसको कहा जाता है प्लानेडिया। और देखिए, और दूसरा जो इसका दूसरा एक मेन कारण है इसका, वो है ग्रैबल। ग्रैबल ज़्यादा भी देने से ये बहुत होता है। ग्रैबल हम लोगों को शायद पता नहीं है, ग्रैबल ज़्यादा देने से ये बहुत ही चांस ज़्यादा हो जाता है कि होने से। मेरा जो टैंक देखिए, अभी कोई ग्रैबल नहीं है, कोई डेकोरेशन का सामान कुछ नहीं है। मैं थोड़ा दिया हूँ इसमें, क्योंकि थोड़ा देखने में ख़राब लग रहा था और चार पाँच दिन हो भी गया, तो इसलिए मैं थोड़ा दिया हूँ। लेकिन मेन कारण हो जब मतलब बड़ा कारण है ग्रैबल। क्योंकि देखिए, ग्रैबल अगर ज़्यादा होगा तो फिश का जो पॉटी होगा, फिश का जो वेस्ट फूड होगा, जितना भी मैल होगा, सब जाके अंदर जमा हो जाएगा। तो अब दुकान में जाएंगे, दुकान में बोलेगा कि ज़्यादातर ग्रैबल जाने से क्या होता है कि उसका जो पॉटी होता है, खाना होता है, सब नीचे बैठ जाता है, तो वाटर क्लियर रहता है। लेकिन ऐसा बात नहीं है। हाँ, वाटर क्लियर रहता है आपका, लेकिन उससे प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, अमोनिया बढ़ जाता है। क्योंकि देखिए, नीचे जो वेस्ट जो जमा होगा, वो तो आप पूरा क्लियर तो नहीं कर पाएंगे कभी भी। तो क्या होगा कि उससे आपसे धीरे धीरे कीड़ा आ जाएगा, उसमें बहुत टाइप का वर्म्स आ जाएगा। तो देखिए, ये जो वर्म्स है मतलब ये जो प्लानेडिया है, ये तो फिश के लिए कोई हानिकारक नहीं है, फिश को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन हाँ, बहुत सारा प्लानेडिया ऐसे भी होता है जो आपका छोटा सीम हो गया या छोटा जो फिश होता है, वो फिश को मार भी सकता है, धीरे 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 उसको खा सकता है, मार सकता है। ऐसा भी बहुत सारा प्लानेडिया है। तो ज़्यादातर प्लानेडिया फिश को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है। फिर भी देखिए, इसको ठीक करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ये जब होता है, आप समझ लीजिएगा, जब भी आप अगर यहाँ पे देखिएगा कि आपका एक्वेरियम में हो रहा है, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका पानी ख़राब हो गया है, आपका जो ग्रैबल है उसमें प्रॉब्लम हुआ है। तो आपको तुरंत ठीक करना होगा, क्योंकि वो जो पानी है दिन ब दिन और ख़राब में जाएगा, और ख़राब में जाएगा, अमोनिया बढ़ेगा, आस्ते धीरे 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 आपका फिश डेथ हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, मेरा एक्वेरियम में भी हुआ था, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, कांच में देखिए, अच्छे से देखिए, जा रहा है, देखिए एकदम छोटा सा वाइट कलर का देखिए जा रहा है। ये एक्चुअली कांच में और ग्रैवल के नीचे नीचे रहता है, इसलिए ग्रैवल आपको जितना कम हो एक्वेरियम में रखना चाहिए। ज़्यादा रखेंगे तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा। और ये आपका बहुत टाइप का होता है, देखिए।
हम रिमूव कैसे करेंगे? इसको देखिए, रिमूव करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मैं आप जो बता रहा हूँ बस आप फॉलो कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं इसको रिमूव करना। क्या करेंगे फर्स्ट में, आप क्या करेंगे, आपका जो टोटल जो पानी है, जितना भी आपका 1 फुट है, 2 फीट है, 3 फुट है, 5 फीट, जितना भी आपका साइज का एक्वेरियम है, आप 50% वाटर फर्स्ट में चेंज कर दीजिए। देन क्या करना है आपको, जो आपका जो ग्रेवल होगा, ग्रेवल जो हो सेंड क्या करना होगा मैं बाद में आपको बता देता हूँ, फर्स्ट में जो ग्रेवल है उसको पूरा उठा दीजिए, पूरा टोटल मतलब बाहर कर दीजिए टोटल उसको। फिर क्या करना है, लेकिन हाँ एक बात, फिश को बाहर नहीं निकालना है, क्योंकि फिश को आप कोई भी, मैं कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि कोई भी कुछ भी हो, लेकिन फिश को बाहर नहीं निकालना है, क्योंकि आप फिश को बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, फिश स्ट्रेस में आ जाएगा और फिश का बहुत सारा बीमारी हो जाएगा, ऐसे कि डेथ भी हो सकता है। तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा फिश को आप बाहर निकालेंगे, ठीक है। फिश को अंदर रखिए और 50% पानी चेंज करने के बाद धीरे धीरे हाथ से ग्रेवल को निकाल लीजिए, क्लियर। देन क्या करना है आपको, उसमें जो आपका रॉक सॉल्ट मिलता है, रॉक सॉल्ट आपको ठीक से दे देना है, मतलब जितना देना चाहिए, मतलब आपका अगर 3 फीट का टैंक है तो आप जो आपका दिखा देता हूँ, एक मिनट, आपका देखिए ऐसा छोटा चम्मच, जो टी स्पून जिसको कहते हैं टी स्पून, ऐसा स्पून से आपको कम से कम 6 चम्मच आपको देना पड़ेगा, 6 चम्मच या 5 से 6 चम्मच, 5 से 6 चम्मच दे दीजिए, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो धीरे धीरे मर जाएगा और जितना रहेगा आपका फिश जो रहेगा खा लेगा। फिर अब 3 दिन बाद देखिए क्या होता है, 3 दिन बाद अगर ठीक हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं है, आप ऐसे उसको रख दीजिए, और नहीं तो आप 7 दिन बाद, जब देखिए 7 दिन के अंदर आपका ठीक हो जाएगा, 7 दिन बाद आप फिर से 50% वाटर फिर से आप चेंज कीजिए, करके जो ग्रेवल है, और हाँ ग्रेवल को अच्छे से धो लीजिएगा फ्रेश वाटर से, अच्छे से एक्वेरियम से पानी से भर करके, ऐसा कोई बात नहीं, फ्रेश वाटर से अच्छे से धो के धूप में पूरा अच्छे से सुखा के फिर 7 दिन बाद आप दे दीजिए। लेकिन आप देख लीजिएगा कि कोई मतलब कोई प्लानिट है तो नहीं, ऐसा देख लीजिएगा, क्लियर फ्रेंड। तो आप ये रूल फॉलो कीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप 7 दिन के अंदर पूरा आपका प्रॉब्लम सोल्यूशन होगा। और आपका एक्वेरियम में अगर सैंड है तो आपको ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, बस आप जितना आपका एक्वेरियम है साइज है उसका 50% वाटर, कोई भी अगर टब होगा या बड़ा कोई बाल्टी होगा तो उसमें आप स्टोर कर लीजिए 50%, ध्यान से याद रखना 50% वाटर ही आपको स्टोर करना है, और बाकी जो वाटर है आप फेंक दीजिए, और जितना भी सैंड है वो आप, और हाँ फिश को भी वही टॉप में रख दीजिए, फर्स्ट में वही टॉप में फिश को भी रख दीजिए, और आपका जितना भी सैंड है, जितना भी आपका डेकोरेटिव आइटम है, सबको आप निकाल लीजिए, पूरा एक्वेरियम के एकदम साफ कर लीजिए। और लेकिन हाँ आपको 20 मिनट के अंदर ही करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा आप फिश को उधर रखेंगे तो फिश को सब भी लग सकता है, तो 20 मिनट के अंदर पूरा साफ करके, एक्वेरियम पूरा साफ करके, और फिर से वो जो टब में आप पानी रखे थे 50% वो पानी फिर से अंदर दे दीजिए और उसमें फिश को रख दीजिए, फिर आप नॉर्मल फ्रेश पानी आप दे दीजिए। लेकिन हाँ आप देख लीजिएगा, आप जो 50% पानी दे रहा है उसमें आपका कोई भी मतलब क्लोरीन नहीं रहना चाहिए, अगर रहेगा तो फिश को प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। और देखिए बहुत सारा मार्केट में आपको मेडिसिन भी मिल जाएगा, लेकिन आपको मैं मेडिसिन रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वो मेडिसिन से बहुत प्रॉब्लम बेनिफिशियल बैक्टीरिया है बेनिफिशियल, और फिश का भी बहुत टाइम प्रॉब्लम हो जाता है, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। आप नॉर्मली ये ट्राई करके देखिए, आप 3 या 4 दिन के अंदर आपका पूरा रिकवर हो जाएगा, मैक्सिमम आपका 7 दिन के अंदर, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका पूरा रिकवर हो जाएगा, आप ट्राई करके देखिए, ओके। और फ्रेंड्स चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर थोड़ा भी आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, ओके। चलिए नमस्कार।